तो दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे उल्लू ओरिजिनल वेब सीरीज ब्राइव। ब्राइव यानी कि रिश्वत। तो बात करते हैं कि भाई क्या आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या फिर आपको ये वेब सीरीज नहीं देखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था तो इसका जो ट्रेलर है मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग तरीके की कहानी लग रही थी मुझे कि हाँ भाई यहाँ पर इस वेब सीरीज की या फिर मिनी वेब सीरीज की जो कहानी है शायद थोड़ी सी अलग है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस वेब सीरीज को देख लेते हैं, क्या कुछ खास हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो वेब सीरीज है इसकी जो कहानी है वो कहानी है एक फीमेल कैरेक्टर की जिसके पति की मौत हो चुकी है और उसकी वजह से एक तरीके से उसका जो सहारा है वो चला गया, एक तरीके से वो बेसहारा हो गई है। अब उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, वो क्या करे, उसको कुछ सूझता नहीं है क्योंकि वो गांव में रहती है। हालांकि गांव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। तो उसके बाद फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे ही वो अप्लाई करने के लिए जाती है चीज़ें कुछ और ही हो जाती हैं और किस तरीके से लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, क्या क्या होता है उसके साथ, वो क्या सोचकर आई थी और उसके साथ क्या क्या हो जाता है। एक तरीके से वो लोगों की कठपुतली बनकर रह जाती है और पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है एक अलग ही मोड़ ले लेती है, कुछ अलग ही हो जाता है उसके साथ। और ये पूरी वेब सीरीज़ के दौरान हमको देखने को मिलता है उसकी परेशानियाँ, उसकी तकलीफ़ें, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं है, बस लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोग उसका बस यूज़ करना चाहते हैं। उसकी परेशानी, उसकी मजबूरियाँ, उसकी तकलीफ कोई नहीं देख रहा, सब सिर्फ मौके का फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमें पूरी वेब सीरीज़ के दौरान देखने को मिलता है, जो कि ये एक ऐसी वेब सीरीज़ देखने को मुझे मिली जो कि मुझे लगा कि हाँ भाई सही में ये वेब सीरीज़ जो है वो थोड़ी सी अलग, बढ़िया, कुछ अलग ही तरीके की स्टोरी हमारे सामने जो है लेकर आती है। और उस वजह से मुझे लगता है कि अगर आप चाहो तो इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देख सकते हो। इस वेब सीरीज़ में टोटल जो है वो 3 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो इस वेब सीरीज़ को देख सकते हो। अब यहाँ पर ठरकियों की बात अलग है कि वो इस वेब सीरीज़ को किस नज़रिए से और क्यों देखना चाहेंगे। बाकी आपको ये वेब सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए, मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दी। और अगर आपको थोड़ी सी अलग तरीके की कहानी वाली वेब सीरीज़ देखने का मन है, अगर आप एक मिनी वेब सीरीज़ देखना चाहते हो जो कि थोड़ी सी अलग तरीके की कहानी के साथ में हो और देखने लायक भी हो, बढ़िया भी हो, कुछ अलग ही हमको देखने को मिले, तो वाकई में आप इस वेब सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक बात रही इस वेब सीरीज़ को रेटिंग देने की, तो मैं इस वेब सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 7 out of 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस वेब सीरीज़ को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस वेब सीरीज़ के बारे में, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी ही वेब सीरीज़ मूवी मिनी सीरीज़ के रिव्यू के साथ में। जोहार।